खबरदार सावधान, ये कहते हैं बादशाह के दरबार के अंदर जादूगर आया अपने जादू की कला दिखाने के लिए। ओह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। किशन नगर सु आया सा किशन नगर ने जावला कुणा जीरा कमर लाडला साची बात बताओ सा। और क्या बात है मुन्ना जान, वाह वाह, तारी कमर रो लटको। ओहो ए, 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 अरे वारे 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 वाह, क्या बात है। ऐसा के जो कठपुतलिया खेल पहले चलता था, तो पहले के ज़माने के अंदर शिवाय रामलीला और कठपुतली थी, ना टीवी था ना कोई वीडियो था ना कुछ नहीं था, इसलिए हर गांव में पहले ये होता था। अब क्या साहब, ये टीवी वगैरह आने से ये कठपुतली लुत्फ हो गई, अब हमारी युवा जो पीछे वाली पीढ़ी वो कुछ करती नहीं है, क्या करे, चलती नहीं तो क्या करे। महीने से एक बार ये खेला था, उसमें क्या होगा। अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें कौन से संस्था आगे आगे हमारे हमारी मदद करी, ना कोई सरकार ने मदद करी ना कोई संस्था ने मदद करी, कुछ करी नहीं। और कहते हम करेंगे कुछ नहीं किया। 50 साल से मैं करते हम बूढ़े हो गए, कोई आदमी अभी आगे आया ही नहीं ऐसा काम करने वाला। अभी ये ढोल का काम कर रहे हैं, जब ब्याह शादी में ढोल बजाते, लोग ढोल में तो बैठे रहते थे, घर पे कुछ नहीं होता था, ना ढोल चलता था ना कठपुतली चलती थी। ये खेल आज से 550 साल पुराना है। जोधपुर नरेश महाराजा गज सिंह जी के अमर सिंह और जसवंत सिंह दो भाई थे। दोनों भाई थे तो यहाँ जालम सिंह नाम का एक डाकू हुआ करता था, तो दरबारों के खजाने लूटता था और गरीबों में बांटता था, तो उसकी जय जयकार राजस्व भी बहुत ज़्यादा थी। तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि यार ऐसा कौन सा डाकू है जो उसकी जय जयकार हो रही है मेरी नहीं हो रही है। तो पहले क्या थाल के अंदर बीड़ा रख के पान का और घुमाते थे दरबार के अंदर, जो कोई वो बीड़ा खा लेता उसको पकड़ने के लिए जाना पड़ता था। तो वो दरबार के अंदर बीड़ा घुमाया तो किसी ने बीड़ा उठाया नहीं तो राजा बोले यार इतने वीर क्षत्रिय बड़े बड़े बैठे और ये काम इतना सा नहीं करते। फिर अमर सिंह को गुस्सा आया, उठा के उसने बीड़ा खा लिया। जालम सिंह को पकड़ने के लिए अमर सिंह जी गए, जालम सिंह जी का उनका आमना सामना हुआ, लड़ते लड़ते जालम सिंह जी की तलवार टूट गई। तो उन्होंने बोला यार आज तक कोई बहादुर मेरे सामने टिका नहीं, तो बहुत बड़ा बहादुर है ये जान तेरे हवाले के, यार तो ऐसा बहादुर है तेरे को मारूंगा नहीं, तो मेरा दोस्त है। वहाँ से अमर सिंह और जालम सिंह दोस्त बन जाते और आगरे जाके बादशाह के यहाँ नौकरी लग जाते। ये खेल यहाँ से शुरू हुआ सर। ओए दंद तेरे कुल कंदल कुड़िये सोने बाजू बंद, ओ भले भले भले। जैसे ही आपको ये कठपुतली दिखा रहा हूँ मैं, ये वीर अमर सिंह जी महाराज की बनाई है मैंने कठपुतली, और बिल्कुल उनके आकार को ऐसे जैसे बनाते हैं, जैसे मेरे फादर ने बनाई, मेरे दादाजी ने बनाई, मेरे ग्रैंडफादर ने बनाई, उसके आधार पे हम लोग काम करते आ रहे हैं। वीर अमर सिंह जी राठौड़ एक राजस्थान के वीर योद्धा थे, उनके आधार पर ऐसे कठपुतली उनको बनाकर उनके सामने पेश करते थे ताकि वो बहुत खुश होते थे, और हमारे उस ज़माने में हमारे पूर्वजनों को अच्छा ऑफर मिलता था। जैसे माइकल जैक्सन बना दिया हमने, बच्चों को वो पसंद है। अब जैसे वो पुराना दौर था, वही कठपुतली वही है, अब तरीका हमने अलग बना दिया, करेक्टर भी अलग बना दिया, चलाने का तरीका भी अलग बना दिया। अब जैसे गाने के पहले गाने के ऊपर हम लोग बच्चों को दिखाते हैं ताकि बच्चे लोग देखें इस चीज़ को।
मैं राजस्थान की सरकार की जो भी योजना आती है, नई नई योजना जो आती है, उसके में कठपुतली के माध्यम से गांव में जाकर किसानों के बीच में, काश्तकारों के बीच में जाकर अपना प्रदर्शन करता हूं। राजस्थान में मैंने नई नई योजनाओं के ऊपर प्रचार प्रसार किया है, जैसे पल्स पोलियो हो गया, टीकाकरण हो गया, बाल विवाह हो गया, फॉरेस्ट वन विभाग हो गया, HIV एड्स के ऊपर मैंने काम किया है। अभी जैसे 3 साल से मैंने काम नहीं किया है, स्वच्छ भारत पे भी मैंने काम किया है। और राजस्थान में पाली, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, सिरोही, मैंने बहुत सी जगहों पे काम किया है। जैसे पूरा पर्दा वर्दा होता है, पूरा स्टेज होता है, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे पूरा स्टेज होता है, उसके अंदर दिखाई नहीं देते, मतलब धागे भी नहीं दिखाई देते, हम भी दिखाई नहीं देते, कठपुतली ही दिखाई देती है। तो बहुत मजा आता है, जैसे कठपुतली बात कर रही है एक दूसरे से, जैसे ये जैसे बीमार है, ये डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर उसको चेक करता है, अरे भाई तुम तो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, अरे साहब 10 दिन हो गया साहब, खांसी घनी आ रही है, अरे भाई तुमको तो टीवी हो गया है, देखो भाई घबराना नहीं, टीवी का इलाज भी आ गया, टीवी का इलाज भी हो सकता है, तो आप टाइम से इसका प्रयोग करो, इसकी दवाएं लो टाइम टाइम पर, और आप ठीक स्वस्थ हो जाओ। जैसे ये टीवी का मैंने किया, अब जैसे दूसरा करेक्टर हो गया, जैसे बाल विवाह का, छोटी उम्र में शादी नहीं करो बच्चों की, तो ये लेडीज चिल्लाती है, अरे मैं क्या करूँ, दुखी हो गई हूँ, मेरे तो परिवार इतना बड़ा है, किसी के चप्पल नहीं है, किसी की स्कूल की फीस नहीं है, मैं क्या करूँ, खेती छोटी है, गरीबी हालत है, अब मैं क्या करूँ, इनकी शादी कैसे करूँ। और अगला हिस्सा मर्द का है, पीछे से औरत है, पांच मुंडो तो घुमा पहलवान। हाँ अभी इनको ये देखो, ये थैला है, ये हमारा ये प्रोग्राम है, इसको 1 साल हो गया, ये बंद पड़ा है, 1 साल में अभी एक भी प्रोग्राम नहीं किया इन्होंने। उसके पहले साल भर में 2-4 तो कर ही लेते थे। ये कठपुतली को जीवित रखना सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। उन सरकार को भी पता पड़े कि भाई कलाकार लोग आज भी है, कई कोने में बैठे है, जब वो खुल के खुद जाके इनका प्रोग्राम देखे करे, जब उनको मालूम पड़ेगा ना, पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग हैं जो और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे मनोरंजन निकाल दिया। अब जैसे अमर सिंह राठौड़ की कहानी, अब जैसे वो तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग को मालूम है, वो लोग अलग से कहानी बना के उनको सीरियल नाटक बना दिया, वो देखते हमारे कठपुतली का ये असली कहानी है अमर सिंह राठौड़ की, जो आपने सुना ना महाराणा प्रताप अमर सिंह कहानी, वो हमारे कठपुतली से ही शुरू है, लेकिन आप सीरियल में देखो ना उसमें इतनी सी बात सच है, बाकी के वो पूरे अलग से कहानी बना देंगे, लेकिन असली कहानी हमारे कठपुतली वालों के पास ही आपको मिलेगी। वो पद्मावती, वो जो उनकी कहानी सुनी, वो भी आधी पूरी कहानी नहीं है, उसमें इतनी सी कहानी है, बाकी पूरी कहानी मिला के वो आपके सामने पेश कर दी। अब पढ़े लिखे लोग वो अलग से बनाते हैं, लेकिन हमारे पास है ना इतनी अच्छी अच्छी कहानी पढ़ी है, हम पढ़े लिखे नहीं है, बाकी कहानी आपको पूरी सच मिलेगी। अब वो पढ़े लिखे अपने दिमाग से फिल्म बना के 2-4 लाख कमा लेते, हमको 2000 ही नहीं मिलता है। हम जो कलाकार लोग हैं ना, उनको एक मौका मिलना चाहिए, हर जात का हर कलाकार को वहाँ जाके अपना खुद का ये कलाकारी दिखानी चाहिए, सरकार को पता पड़े कि भाई इनमें कितना, मतलब ये अपने अंदर आत्मा से ये खेल करते। राशन कार्ड वो इसलिए बंद कर दिया कि हम एक गांव से दूसरे गांव है, तो हमारा ये आधार कार्ड दूसरे गांव में नहीं चलता है, तो राशन पे जो गेहूँ मिलता है वो भी बंद हो गया, क्योंकि अब नए प्रूफ कहाँ से लेके आए। अब पहले वो राशन चलता था तब तो और 15-20 किलो गेहूँ मिलते थे। अब आने वाले बच्चे भी ऐसे ही रोड पे रहेंगे, ये गरीबी के साथ जिएंगे, इनको 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 दूसरा काम आता है नहीं, क्योंकि हमारा काम हमने बंद कर दिया है, तो बच्चे क्या काम करेंगे। और स्कूल के तो स्कूल की भी इनका स्कूल भी ख़राब होता, क्योंकि यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ यहाँ की स्कूल छूट जाती है, तो वहाँ दूसरे स्कूल में डालते हैं, तो पढ़ नहीं पाते बच्चे लोग भी।
वैसे तो पापा को घर भी मतलब है मिला हुआ, लेकिन घर में क्या हमारा ये काम कर नहीं सकते, तो इसलिए रोड के ऊपर हमारा काम यही होता है। हम सोचते हैं कोई ग्राहक आ जाए, चलता हुआ कोई ग्राहक मिल जाए, ये इसलिए रोड पे थोड़ा रहते हैं। बाकी ये एक होटल में मैं शो करता हूँ, शाम को 6 बजे जाता हूँ, रात को 10:30 बजे हमारा पिकअप हो जाता है। वहाँ पे हमको 6,000 रुपये सैलरी देते हैं महीने की। जी सर, वो भी लॉकडाउन में बंद हो गया अभी, कहाँ सर 10 महीने हो गए बंद है वही, अभी तक वो भी बंद है क्योंकि वो गेस्ट नहीं आते, होटल वाले बेचारे क्या करें हमको बुला के। हम लोगों को पहले कठपुतली नचाने में बनाने में मज़ा आता था, अब तो मन करता है कठपुतली की तरफ देखे ही नहीं हम लोग। मेरे बच्चे जो है, मेरे बच्चों को मैंने स्कूल डाल रखा है, अभी गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं क्योंकि प्राइवेट में तो पढ़ाने की हमारी हैसियत नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कठपुतली का काम ही बंद कर देंगे। अब बच्चे हैं तो वो देखते हैं कि अरे कठपुतली है, हमारे बच्चे अच्छे लगते हैं उनको कि हम भी नचाएगा, हम बोलते हैं कि मत नचाओ। और फिर वो क्या, वो तो बच्चे वो खेलने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन पहले हमारे मेरे पिताजी जो थे, मैं जब था छोटा 10 साल का, तो मेरे पिताजी मेरी उंगलियों पे धागा बांधते थे कठपुतली का कि बेटा इसको नचा। तो उस टाइम पिताजी को लगता था कि शो चलेगा हमारा, बहुत चलेगा। लेकिन जब से ये शो बंद हुआ ना, तो हमारा ऐसा कठपुतली से दिल ही हट गया हमारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से और जो भी भाई लोग जो ये देख रहे हैं, कुल मिला के हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे कलाकार के लोगों को हंसाते हैं, उनको उनके चेहरे पे हंसी लाते, तो हमारी हंसी भी आप ला सकते हो वापस।